अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th 10th एंड दिस इज़ आवर बुक ऑफ क्लास 9th 10th मैथमेटिक्स एंड आई एम टीचिंग चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6। एवरी ईयर वन क्वेश्चन ऑलवेज कम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखें ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अंडर रूट 431.5 मल्टीप्लाई 1.2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट 36.98। सबसे पहले स्टेप में, एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज, इन ऑल द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज टेक क्वेश्चन इक्वल टू एक्स। पूरे क्वेश्चन को हम एक्स के इक्वल ले लेंगे। ले लिया। इन द सेकेंड स्टेप आई रोट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सही है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्वेश्चन के दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं। देखें, एक्स के साथ भी लॉग्स लगा दिया और इस क्वेश्चन के साथ भी मैंने लॉग लिख दिया। ओके, अब क्या करूँगा स्टूडेंट्स, लॉग एक्स एज इट इज उतार दिया। ये अंडर रूट खत्म कर दिया मैंने, 1/2 कर दिया ये पावर। ये नीचे का अंडर रूट खत्म किया तो 1/3 आ गई। ओके, अब मैं लॉग को इस टर्म के साथ भी लिखूंगा, इस टर्म के साथ भी लिखूंगा और इस टर्म के साथ भी लिखूंगा, और ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा और डिवाइड का निशान माइनस में चेंज हो जाएगा। ओके, सो नाउ सी हेयर आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने इधर लॉग को इसके साथ लिखूंगा, सही है, उसके बाद इसी लॉग को इसके साथ लिखूंगा, इसको इसके साथ लिखूंगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ लिखना लॉग फोर, सॉरी स्टूडेंट्स, लॉग को इसके सिस्टम के साथ लिख रहा हूँ। ओके, तो 431.5, ये मल्टीप्लाई का निशान जो है लॉग के रूल के मुताबिक किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। इसकी जगह मैंने प्लस कर दिया। अब यही लॉग इसके साथ भी लिखूंगा तो फिर यहाँ पर लॉग 1.2 और इसकी स्क्वायर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब ये डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का निशान जो है ख़त्म हो जाएगा, ये डिवाइड का निशान ख़त्म हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा लॉग के रूल के मुताबिक, माइनस में। यहाँ पे मैं माइनस का निशान लगा रहा हूँ। अब इस टर्म के साथ भी मैं लॉग ये वाला इसके साथ भी लिख दूंगा यहाँ पे। तो देखें, लॉग 36.98 इसकी एक्सपोनेंट 1/3। ओके स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में मैंने एज इट इज लॉग एक्स नीचे लिखा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपोनेंट है ये लॉग से पहले आ जाएगी, आपको पता है ये लॉग से पहले आ जाएगी, ये एक्सपोनेंट भी लॉग से पहले आ जाएगी और ये वाली एक्सपोनेंट भी लॉग से पहले आ जाएगी। तो 1/2 को मैं लॉग से पहले लिख रहा हूँ। लॉग अब 431.5 को एज इट इज उतार दिया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, प्लस का निशान एज इट इज आ गया, ये 2 जो है लॉग से पहले आ जाएगा, उसके बाद ये लॉग लिख दिया, 2 लॉग से पहले आ गया, लॉग उतारा 1.2 लिख दूंगा। अब ये माइनस एज इट इज उतार दिया, ये 1/3 भी लॉग से पहले आ जाएगी, लॉग उतार दिया ये वाला, ये एज इट इज उतार दिया, अब 36.98 उतार दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ गई 1/3। ओके, अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये लॉग एक्स मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2 एज इट इज उतार दिया, 431.5 का मैं लॉग निकालूंगा। ओके, कैलकुलेटर पे। सो नाउ सी हेयर आई एम फाइंडिंग द लॉग ऑफ, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डाउन ऑन 0, फोर लॉग प्रेस करूंगा, फिर 431.5 प्रेस करूंगा। देखें, लॉग का बटन है, लॉग का मैंने बटन प्रेस किया यहाँ पे, 431.5 का मैं लॉग मालूम कर रहा हूँ, एक बार का बटन दबाया, क्या आया आंसर, 2.6349। सो आई एम राइटिंग 2.6349, इसका लॉग मालूम किया, ये चीज़ आ गई, अब लॉग नहीं लिखा जाएगा। ओके, प्लस का निशान एज इट इज उतार दिया, ये 2 एज इट इज उतार दिया, अब 1.2 का मैं लॉग मालूम करूँगा। ओके, देखें, लॉग का बटन दबाया सबसे पहले, 1.2 लिखा, इक्वल का बटन दबा दिया, तो अब इसका लॉग आया 0.0791। ओके स्टूडेंट्स, अब ये माइनस का निशान एज इट इज आएगा। ओके, 1/3 एज इट इज उतार दिया यहाँ पे, अब मैं लॉग मालूम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 36.98 का लॉग मालूम करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लॉग का बटन दबा दिया, देखें ये लॉग, ये रहा, लॉग का बटन दबाया, 36.98 लिखा, इक्वल का बटन दबाया, ये आ गया, देखें इसका आंसर 1.5679। तो यहाँ मैं लिखूँगा 1.5679। ओके, अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये लॉग एक्स बराबर है, जब ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इस तरह हो जाएगी 2.6349
अपॉन टू, सही है, इसको वन से मल्टीप्लाई किया अपॉन टू हो गया, ये प्लस का निशान उतार दिया। अब ये चीज़ को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म को, ओके इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें टू मल्टीप्लाई बाय 0.0791, एक बार का बटन दबाया तो ये आंसर आया है इसका 0.1582। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.1582, ओके। अब ये माइनस के निशान उतार दिए यहाँ पर, ये चीज़ वन से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज उतर जाएगी 1.5679/3, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको इससे डिवाइड करूँगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा, ये एज इट इज उतार दूंगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा, अगले पेज पे कर रहा हूँ ये काम, देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो लोग एक्स बराबर है, देखें इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ टू से, तो इसका क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 2.6349 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 1.3174, यहाँ हमने लिख दिया 1.3174। अब स्टूडेंट इसको इससे डिवाइड कर दिया, अब प्लस का निशान लगाऊंगा, इसको एज इट इज उतार देता हूँ 0.1582। अब ये माइनस का निशान उतारूंगा, इसको इससे डिवाइड करके इसका इसकी जो वैल्यू आएगी वो अगले पेज पे लिख रहा हूँ ऊपर, तो ये माइनस का निशान लगाया, देखें इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1.5679 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 1.5679/3, ये इसका आंसर आया, इसकी वैल्यू आई है 0.5226, तो 0.5226, ओके। इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई, प्लस ये चीज़ एज इट इज उतार दी यहाँ पे, और इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, ओके। अब इन दोनों को प्लस करूँगा, सही है, तो यहाँ पर लॉग एक्स एज इट इज उतार दूँगा, ये देखें स्टूडेंट्स ये स्टेप आया था, इसको इससे डिवाइड किया तो ये यहाँ लिखा, फिर प्लस 0.1582, प्लस 0.1582 उतार दिया। अब माइनस इसको इससे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, सही है स्टूडेंट्स। अब इसको इससे प्लस कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पे 1.3174 प्लस विथ 0.1582, तो ये इसका आंसर आ रहा है, इसकी वैल्यू आई है 1.4756, इसको प्लस किया तो क्या वैल्यू आई 1.4756, माइनस ये एज इट इज उतार देंगे हम 0.5226। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके, तो हम यहाँ पे उतार देंगे लॉग एक्स बराबर है, देखें 1.4756 माइनस विथ 0.5226, इक्वल का बटन दबा दिया तो ये इसकी आया है हमारे पास वैल्यू आई है 0.953, क्या ये 0.953, ओके। तो इसका हम एंटी लॉग मालूम करेंगे, ये एक्स के साथ लॉग मल्टीप्लायर है, इक्वल के उधर जाएगा तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 0.953 यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा एंटी लॉग। इसका कैलकुलेटर पर एंटी लॉग कैसे निकालेंगे ये देखें, एंटी लॉग मालूम करने के लिए सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाते हैं, फिर लॉग का बटन दबाते हैं, ओके। अब वो वैल्यू पुट अप करेंगे जिसका हमें एंटी लॉग मालूम करना है 0.953, तो यहाँ पे देखें पुट अप करो 0.953, इक्वल का बटन दबा दिया तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई है 8.974, यहाँ लिख दूंगा 8.974, और यही मेरी एंटी लॉग निकल गया, यही मेरा आंसर है, ओके स्टूडेंट्स। सो काइंडली दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आई हैव बीन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.6, एज आई कंप्लीट दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई टोल्ड ऑल द प्रोसेस दैट हाउ आई हैव सॉल्व, ओके ओके। सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।